पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आ रहे हैं। पीएम मोदी दोपहर करीब 2:25 पर लखनऊ पहुंचेंगे और करीब 4:40 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद लखनऊ दौरे पर होंगे और उसको देखते हुए जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर अफसर लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, एनएसजी का घेरा अभी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है और जिस जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चॉपर के जरिए उड़ेंगे और वहाँ के बाद से वो सीधे लोकभवन कार्यक्रम स्थल जाएंगे और किस तरीके से कार्यक्रम होगा, क्योंकि लगभग 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लखनऊ में रुकेंगे और किस तरीके से उनकी सुरक्षा व्यवस्था है और किस तरीके से आप देख सकते हैं अफसर ग्राउंड जीरो पर है। और इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसएसपी लखनऊ कलानिधि नथानी है। सर, किस तरीके की व्यवस्था है और क्या क्या रूट है उनके? जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से ड्यूटीज लगी हुई हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन हम लोगों के लगे हुए हैं, जो कॉर्डन हैं, इनर कॉर्डन, आउटर कॉर्डन, सब पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगा है। इसके अलावा एटीएस के कमांडोज वगैरह भी हम लोगों ने यूज़ किए हैं और जितनी ड्यूटीज़ होती हैं, अभी सूचना का विशेष रूप से हम लोग अभी सूचना संकलन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं और संदिग्ध व्यक्ति यदि कोई लग रहा है तो उनका चेकिंग फ्रेस्किंग हो रहा है। बायनाकुलर्स का प्रयोग किया जा रहा है, ड्रोन कैमरा का प्रयोग किया जा रहा है, कितनी सफलता है? वही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, बायनाकुलर्स वगैरह भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं और ड्रोन्स भी हम लोग यूज़ करते रहते हैं रूटीन वे में, तो सभी चीज़ों को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। पूरा फोर्स हाई अलर्ट पर रहता है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एसएसपी लखनऊ कलानिधि नथानी, जिन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत उन सारी सुरक्षा व्यवस्था के मानकों पर काम चल रहा है। जिलाधिकारी के साथ साथ एसएसपी लखनऊ पूरे इलाके का दौरा कर रहे हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क के रास्ते होते हुए लोकभवन पहुंचेंगे और लोकभवन में किस तरीके से उनका कार्यक्रम होगा और उनको सीधे यहां तक लाया जाएगा, उसके बाद चौपर के जरिए उनको अमौसी एयरपोर्ट ले जाया जाएगा जहां पर वो दिल्ली रवाना होंगे। तो ये तैयारियां पूरी जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस अधिकारियों की चल रही है कि लखनऊ में उनका जो भी कार्यक्रम है उसको सकुशल सम्पन्न कराया जाए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ शिवा शर्मा, लाइव टुडे। अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जन्म दिवस समारोह पर उनकी 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर 2:25 पर आ रहे हैं। यहां से वो MI-17 हेलीकॉप्टर से लामा टीनियर कॉलेज के मैदान पर पहुंचेंगे, जहां से वो बाई रोड लोकभवन पहुंचेंगे। उनकी आगमन पर हम आपको दिखाना चाहेंगे सुरक्षा व्यवस्था। एयरपोर्ट पर चाक चौबंद है, पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। यहां पर SDM प्रशासन और पुलिस प्रशासन यहां पर पूरी तरह मुस्तैद है। हम आपको बताना चाहेंगे कि उनका आगमन 2:25 पर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर हो रहा है। उनके आगमन को लेकर एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है, अगर मौसम खराब होता है तो वो यहाँ से बाई रोड लोकभवन जाएंगे, लेकिन अभी तक जो प्रोग्राम है वो यहाँ से MI-17 हेलीकॉप्टर से लामा टीनियर मैदान जाएंगे। लाइव टुडे से नीरज श्रीवास्तव, लखनऊ।